Welcome, Comrade Anand Mulla from All India Kisan Sangharsh Samiti, from the Communist Party of India Marxist, All India Kisan Sabha. Thank you so much for joining us, Comrade. Aaj ka jo Bharat Band hai, today's huge nationwide protest, looks like it's been a spectacular success. How did it come to this? Yahan tak kyun aana pada? Kyunki sarkar itna stubborn hai, itna attitude, itna anti-farmers hai, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। छह महीना आंदोलन चल रहा है, छह महीना। और ये छह महीना में जिस दिन ऑर्डिनेंस आया, उस दिन पूरा देश में हजारों जगह में ऑर्डिनेंस को कॉपी चलाया, सरकार के पास मैसेज भेजा कि किसान खुश नहीं है, इसमें वापस लो। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद मीटिंग हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, प्रधानमंत्री के पास थाउजेंड्स ऑफ ईमेल गया, लेटर गया, इसको कंसीडर करो। और सरकार उस स्टेज में चुप बैठे रहा, कुछ नहीं किया। फिर भी उसको आगे बढ़ा और उसका आगे बढ़ के पार्लियामेंट में ले गए। तब भी पार्लियामेंट में जो ले गया तब भी प्रोटेस्ट हुआ, बोला इस लेवल में भी आप सुनो, क्योंकि किसान के लिए कानून है, किसान को तो सुनो, क्या जरूरत है किसान का? आप सोचते हैं ऐसा किसान का भला ही है, आप बाहर वाला सोचता है, और किसान कैसे अपना नुकसान झेल रहा है, आप तो सुनो पहले। पर वो भी सुना नहीं। पार्लियामेंट में जबरदस्ती जो पारित किया, आप सबको मालूम है, एमपी को वोट डालने नहीं दिया, जबरदस्ती करके पारित किया। उसके बाद भी हम प्रोटेस्ट किया, बोला कम से कम पास तो कर लिया, अभी इसको लागू मत करो, इम्प्लीमेंट मत करो। फिर भी हमारा बात सुना, किस सुनने के लिए थे, तो वही लेवल पे छह महीना में। इसके बाद दो बार भारत बंद हुआ, लाखों किसान 9 अगस्त जेल भरो किया, सरकार के साथ बार बार वार्ता किया, करने का कोशिश किया, मगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जनवाद में क्या होता है, वार्ता से अलग होता है, एक फैसला होता है। जब नहीं किया सरकार जबरदस्ती, तो 25 सितंबर हम पूरे भारत में प्रतिरोध को आह्वान किया, और 25 सितंबर पूरा भारत में वर्चुअल बंद हो गया था, पूरा भारत। इस आंदोलन बहुत तेज बढ़ने लगा, मगर पंजाब इस आंदोलन में सामने है, सैल्यूट करते हैं, पंजाब सबसे ज्यादा आगे है, मगर आंदोलन पूरा भारत का है, पूरा देश के किसान, लाखों किसान पूरा देश में रास्ता रोको किया, हड़ताल किया, रैलीज किया, तो सिर्फ पंजाब। मगर एक सरकार इसको एक मतलब से पेंट कर रहा है, ये पंजाब का आंदोलन है, पंजाब का, पंजाब वर्सेस भारत, ऐसा करके एक डिविजन दिखाने का। और जो गोदी मीडिया है वो भी वही किया, सरकार का बात रोध पिटाने लगा। पंजाब आंदोलन, पंजाब आंदोलन के सामने है जरूर, मगर पूरा देश का आंदोलन है, और पूरा देश के इसके तीन कानून पूरा देश को प्रभावित करेगा, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है। तो इसलिए पूरा देश का जो आंदोलन है इसको छोटा दिखाने के लिए ये साजिश चल रहा है, मगर फिर भी पूरा देश इसके खिलाफ आवाज उठाया, आंदोलन किया। आज पूरा देश में भारत बंद हो रहा, अभी भी खबर आ रहा है सब जगह से, व्यापक रूप से बंद चल रहा है, मगर सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यही है परिस्थिति। जब किसान रास्ता में उतर गया, लाखों किसान जब पंजाब और हरियाणा और बाकी जगह से दिल्ली मार्च शुरू किया, तब भी लगातार सरकार कोशिश की इसको रोकने के लिए। जो आज आंदोलन में रास्ता में आए, मैं बोला था मंत्री जी को, भाई जाओ ना, 2 लाख लोग बैठे हैं, अब उसको समझा दो जाके। मगर ये सरकार झूठ बोल रहा है, इसका झूठ बोलना ही इसका कैरेक्टर है, और झूठ बार बार बोलते हैं, बोल के इसको सच साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, कोई कंसल्टेशन किसी लेवल पे नहीं हुआ। ये है हकीकत है, झूठ बोल रहा है, अभी भी वही झूठ में कायम है। आप लोग इतने सालों से एक समन्वय आपने बनाया है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, मध्यम वर्ग भी अभी इसमें इन्वॉल्व हो गया, युवक वगैरह वगैरह, आगे के कदम क्या होंगे इतना बता दीजिए। मुझे पता है आज आप बहुत भी बिजी है, बहुत है। एक हम किसान सभा या आंदोलन तो पहले से कर रहा था, बाद में सारे किसान संगठन जब मंदसौर में बीजेपी सरकार गोली मार के 6 किसान को मार दिया, तब बहुत सारे किसान संगठन इकट्ठा हुआ, और 2017-20 जून दिल्ली में हम सारे किसान संगठन मिलके एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाया, जिसके आज मेंबर 250 से ज्यादा संगठन, जिस संगठन के साथ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो हम आंदोलन को और आगे बढ़ाया। ये सारे आंदोलन AIKCC ने किया, 26 दिल्ली चलो, ये भी आह्वान AIKCC के था, मगर जब आंदोलन बढ़ने लगा,
बहुत सारे संगठन इसमें शामिल होने लगे, पंजाब का संगठन, दूसरे दूसरे राज्यों में भी कुछ संगठन, कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म इस आंदोलन में आया। तब हम लोग सोचा जब AIKCC तो आंदोलन का लीडरशिप शुरू से है 6 महीना, आज नया संगठन जब आ गया, वो संगठन की भी मांग है ये 3 कानून वापस लो, बराबर का मांग, सेम मांग है, दुश्मन भी सेम है, केंद्र सरकार हमारा सामने है, तो हम अलग क्यों करें। तो हम दिल्ली में एक कन्वेंशन बुलाया और 150-200 संगठन आया, उसमें ज्वाइन किया और इकट्ठा होके हम तय किया कि हमारा एक ही मांग है, इसलिए ये आंदोलन को दायरा और बढ़ाओ और इस आंदोलन का और व्यापक रूप से इसको आगे चलाने का फैसला करो। तब इस हम अखिल भारतीय AIKCC संगठन के साथ नया एक मोर्चा भी बना लिया, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान और आदर्श संगठन को इसमें शामिल करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा बना, और ये संयुक्त किसान मोर्चा और बाकी संगठन इकट्ठा होकर ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद जब सरकार के खिलाफ किसान रास्ता में उतरा, मार्च शुरू हुआ, जब मार्च शुरू हुआ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से, हम दो हिस्सा में बांटा था क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा है, एक तरफ ये कोरोना वायरस हमारा दुश्मन है और दूसरी तरफ ये बिल हमारा दुश्मन है, बीमारी में हम 1% मरेगा मगर ये 3 कानून लागू होगा तो हम 90% मरेगा, ये हमारे सामने जीवन मौत का सवाल बन गया, ये कानून हमारे लिए मौत का परवाना है, इसलिए हम इसके खिलाफ बिल के ये लड़ाई में उतरा है। जब प्रैक्टिकली लोग रास्ता में उतरने लगा तब भी सरकार कोई चर्चा का बात नहीं किया, कोई भी डिस्कशन में जाने के लिए तैयार नहीं। तब जब किसान रास्ता में उतर गया तब किसान के खिलाफ जो जंग घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया, पूरा हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया। सोचिए आज तक आजादी के बाद कभी बॉर्डर सील हुआ, एक राज्य दूसरे राज्य के अंदर घुसने नहीं देंगे, एक देश हम बोलते हैं एक देश एक भाषा, ये एक देश का नमूना है RSS का। हरियाणा का BJP सरकार मोदी के निर्देश में पूरा बॉर्डर सील कर दिया, जैसा दो अलग देश है, पंजाब का किसान का हक नहीं है आके दिल्ली में अपना बात रखे, मगर हरियाणा सरकार उसको बोल्ड किया, उस पर ठंडा में पानी उस फेंका, लाठी चलाया, टियर गैस फाका, और उसके बावजूद जब रुक नहीं पाया हाईवे में डिग कर दिया, लंबा हाईवे में खोद के डिग कर दिया कि पंजाब का गाड़ी ना क्रॉस कर पाए। इतना सारे साजिश करने के बावजूद जब किसान को रोक नहीं पाया, पंजाब का किसान आगे बढ़ा, हरियाणा के किसान उसके साथ जोग दिया, यूपी का किसान उसके साथ आने लगा, तब ने उसको दिल्ली बॉर्डर में रोका। हम बोला भाई शांतिपूर्ण आंदोलन है, इतना दिन आंदोलन चल रहा है, हम एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, इतना बड़ा आंदोलन इतना शांतिपूर्ण है, तो इसलिए इसको हम किसी हालत में इसको डिरेल करने नहीं देंगे, पीसफुल आंदोलन चलेगा और चल भी रहा है। मगर सरकार को हम बोला था कि हमको जाने दो दिल्ली जाके, हमारा बात रखने दो, हमारा बात सुनो, रामलीला मैदान में हम बैठेंगे, हमारा बात सुनो। सरकार बॉर्डर में पूरा जैसा मिलिट्री भर गई, जैसा युद्ध, आप कोई भी जो जहां जहां किसान है, हम बोला जहां रुक देंगे वहां बैठ जाओ, बस ठीक है, हमको जाने नहीं देंगे तो हम यहां बैठ जाएंगे, तो हम यहां बैठे रहेंगे। आज 11 दिन हो गया सब नेशनल हाईवे के सामने दिल्ली का किनारे पे बैठे रहे लाखों किसान, सर्दी में बच्चा महिलाएं 3 लोग का मौत भी हो गया, और इतना इनह्यूमन है सरकार, जनता के प्रति थोड़ा सा दर्द रहने से जल्दी जल्दी सुलझाने की कोशिश करता और लंबा करता है। इस सरकार का चरित्र है लंबा करो, जो थक जाके ये जैसा नागरिक कानून में किया था, महीनों में उसको चर्चा कर करके आंदोलन को माने टूट जाए ऐसा परिस्थिति बनाने का कोशिश किया, अभी भी वही कर रहे हैं, किसान को थकाया जा रहा है इस सर्दी में, और कुछ भी फैसला बाखिर में जब दबाव आ गया तो चर्चा में बुलाया, मगर ये 5 बार चर्चा हो गया, काल होगा फिर काल चर्चा में बुलाया, चर्चा हो रहा है, हम बोला अभी बहुत हो गया, बहुत भाषण हो गया, अभी कुछ काम तो करो। हमारा किसान का मांग है कि ये 3 कानून और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक किसान के लिए मौत का परवाना है, और ये संपूर्ण रूप से किसान विरोधी, A to Z खराब है, इसको वापस लो। किसान सहमत है, सारे 500 किसान संगठन में एक भी डिफरेंस नहीं है,
सब लोग एकमत होकर बोल रहे हैं ये कानून किसान विरोधी है, इसको वापस लो। फिर किसान के लिए कोई अच्छा कानून बनाना है तो किसान से सलाह मशवरा करके नया कानून बनाओ, उसका फसल का दाम का सवाल हो, उसका कर्जा का सवाल हो, उसका और जो समस्याएं हैं लेके बनाओ। प्रो किसान, किसान का पक्षधर कोई कानून बनाओ हमसे बातचीत करके तो अलग बात है, मगर ये किसान विरोधी जो कानून है ये वापस लेना पड़ेगा। जब ये बात हम बोला आखिर तक जब कोई फैसला ना है वो बोला अमेंडमेंट करेंगे। फिर अमेंडमेंट करके क्या होगा, एक दो जगह खराब होता बुरा होता तो अमेंडमेंट करके ठीक होता। जब पूरे कानून किसान विरोधी है दो चार कॉस्मेटिक अमेंडमेंट करके इसमें कोई कानून का चरित्र बदलेगा नहीं, ये हमारा किसान का सोच है संगठनों का। इसलिए बोला इसको वापस लेने के अलावा हमारा सामने कोई विकल्प नहीं है सरकार के सामने, हम यही बात रख दिया। काल फिर चर्चा है, मंत्री तो देख रहा है, उस दिन बोला था हम लोग आपका सेंटीमेंट के मुताबिक चर्चा शुरू किया है, और आज मंत्री जो सब बयान दे रहा है कि नहीं नहीं हम बदलेंगे नहीं, हम विद्रोह नहीं करेंगे, तो काल मीटिंग के पहले ये सब घोषणा सरकार का जो एटीट्यूड है किसान विरोधी जनतंत्र विरोधी तानाशाही फैसिस्टिक जो एटीट्यूड है उसी का प्रमाण दिखाई दे रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत कॉमरेड जी। अभी आखिर में आप बस दो लाइन में बता दो कि आगे का रास्ता क्या होगा। किसान का जो एटीट्यूड है किसान कुछ लेके ही जाएंगे, बोल रहे हैं हम 3 महीना का राशन लेके आया, हम हमारा गेहूं आटा हमारा इलेक्ट्रिक गैस चूल्ही वगैरह सब लेके आया और यहाँ बैठ गए, यहाँ ही पका रहे खा रहे है, तो ये हम यहाँ रहेंगे जब तक हमारा कोई सकारात्मक कोई फैसला नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो किसान को हम बोला था मंत्री के जब आप हमको समझा रहे हैं अब जाइए ना, लोग तो बैठे हैं, अब वहां जाके समझा दीजिए, किसान चले जाता अच्छा बात होगा, वो तो हिम्मत नहीं है, सिर्फ यहाँ बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं और हमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारा जो सबसे अच्छा है जो एक भी डिफरेंस नहीं है, इतना यूनिटी हिंदुस्तान का किसान आंदोलन के इतिहास में कभी इतना यूनिटी दिखाई नहीं, ये सबसे बड़ा यूनिक बात है, इसके ऊपर खड़ा होकर आंदोलन चल रहा है। और सरकार काल देखते हैं, सरकार माने तो अच्छा है, नहीं माने तो किसान का जो मूड है वो आंदोलन जारी रखने की परिस्थिति पैदा होगा। कैसे आंदोलन होगा, आने वाला आंदोलन क्या रूप लेगा क्या स्वरूप होगा, ये हम रात में आज बैठेंगे सारे किसान आंदोलन को नेतागण और फैसला करेंगे ये आंदोलन को जारी रखना है तो कैसे इसको जारी रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड जी, आपने बहुत समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।